गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग जो भी फेस्टिवल मनाते हैं दुर्गा पूजा के टाइम में, आप जिस भी कल्चर से हैं उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोगों का दुर्गा पूजा का नवमी है और ये ब्लॉग कुछ अलग है, जो कि स्टडी के लिए नहीं है। ये हमारा फैमिली ब्लॉग है। मैं भी हॉलीडे पे घर आई हुई हूँ, अपने ससुराल आई हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने वीडियो को डिले करने से अच्छा है कि अपने दिन को कुछ शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरह हमारा दिन बीत रहा है। स्टडी की भी बात मैं इसे इस ब्लॉग में करूंगी कि कहां कैसे कैसे मैं अपना स्टडी मैनेज कर रही हूं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो इसलिए इस ब्लॉग को आप पूरा ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। और अगर आप मेरा पहली बार ये ब्लॉग देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे हाउसवाइफ के लिए स्टडी को लेके और उनके पर्सनल लाइफ को किस तरह से स्टडी के साथ मैनेज किया जाए और बच्चों के साथ मैनेज किया जाए, इसे लेके मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो लेके आती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो इसके साथ ही मैं आज अपने दिन को जहाँ तक हो पाएगा शूट करूँगी और आप लोग इसे ज़रूर, आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं यहीं से। अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और पूजा स्टार्ट हो चुका है। नवरात्र चल रहा है तो घर पे सभी लोग पाठ करते हैं। दुर्गा पूजा का सप्तशती दुर्गा का पाठ होता है, मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या घर पे हो रहा है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम अध्य मत संकल्पित सप्तशती सप्तशती पाठ प्रतिष्ठातम ओम जामुंडाये स्वाहा मंत्रेण अष्टोत्तर शत शतशंकतम हवन महं करिष्ये। प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय पासा। अभी हमारे घर में तैयारी चल रही है कन्या को खिलाने का। इससे पहले मैं कल के बारे में थोड़ा अपडेट दे देती हूँ। कल बच्चों लोगों को नहलाने के बाद मैं तो रेडी ही थी, आप देख सकते हैं, और उन लोगों को फिर रेडी करने के बाद मैं चली गई थी, क्योंकि मम्मी हमारी सासू माँ और चाची सास जो हैं वो लोग सब पूजा में बिजी थे। तो मैं किचन में चली गई और फटाफट लंच रेडी करके तैयार कर दिया, ताकि जो ब्राह्मण खाते हैं उनको खिलाने के बाद लोग खा सकें। तो मैंने लंच रेडी किया और उसके बाद फ़ोटो शूट वगैरह थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवाया सब लोग, और घर के पूजा तो स्टार्ट ही थे। होम वगैरह हुआ, हवन हुआ, आप उसके फ़ोटोज़ देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो भी बना के रखी हूँ। होम हवन तब तक बच्चे लोग अपना गेम वगैरह खेल रहे थे, बच्चों को इंगेज करके उनकी दादी ने रखा था, और मैं अपना लंच बना रही थी। उसके बाद सब लोग खा पी के आराम से, बच्चे लोग इतना थक गए थे कि सब लोग सो गए,
तो मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ली, बस करेंट अफेयर्स को देखा पढ़ाई में। कल बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाई हो पाया, कल पूरा थकावट जैसा लग रहा था, तो इसलिए कल पढ़ाई नहीं किया। और फिर बच्चे देखते ही देखते बच्चे उठ भी गए थोड़ा। हम लोग गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए दुर्गा माँ। अगर आप लोग बिहार से हो तो आप लोगों को पता होगा कि अष्टमी नवमी दसवीं को मेला लगता है हर जगह, तो वही छोटा सा मेला लगता है हमारे गांव के बगल में भी। हम लोग वहीं पे गए थे दर्शन करने के लिए। फाइनली आज हम लोग जाएंगे सामने दसवीं को, उसका भी मैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और लेकिन कल थोड़ा सा बच्चे जिद कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग चले गए और जाके वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रणाम वगैरह करके प्रसाद खा के आ गए। तो इस तरह मेरा दिन ख़त्म हुआ। फिर घर आने के बाद सब लोग डिनर करके सो गए। इतना लेट हो गया, 2-3 बज गए कि सब लोग बहुत थक गए थे, इस कारण से मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन आज अभी कन्या जमने वाला है, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी थोड़ा सा कन्या का शूट करके और मैं आज अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए वीडियो। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने घरों में मेला को लेके। मेला आप लोग भी गए होंगे, क्या क्या आप लोगों ने मस्ती किया, आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा तो इन 2 दिनों में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ। थोड़ा मैं बता देती हूँ, मैंने बताया था कल कि आप लोगों को अपडेट दूँगी। तो GS मास्टर का अभी जो मैं फॉलो कर रही थी, उन्होंने अभी स्टार्ट किया 67 BPSC प्रीलिम्स के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिया, पेड कोर्स भी और वर्जन भी है, तो फ्री भी आप कर सकते हैं। तो मैं बच्चों के साथ पेड कोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं फ्री वाला ही कर रही हूँ। वो एक टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक को आपको सॉल्व करना पड़ता है, 2 दिन का 48 घंटे का टाइम देते हैं। तो इस तरह से अच्छा लगता है कि कोई ट्यूशन की तरह आपको ट्रीट करे। घर पे तो नहीं हो पाता ये सब, तो अगर कोई टीचर इस पर मिल गया आपको तो अच्छी बात है। तो मैं तो उसे ज्वाइन कर ली हूँ। आप लोगों में से किन किन लोगों ने पेड कोर्स उनका ज्वाइन किया है, अगर किसी ने किया है तो आपको कैसा उनका पेड कोर्स लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर फ्री कोर्स आप लोग कर रहे हैं जो टॉपिक वाइज है, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। GS मास्टर का 2 टॉपिक अभी आया है और पहला टॉपिक तो मैं कर ली हूँ ऑलमोस्ट, दूसरा टॉपिक मेरा पेंडिंग है, सोच रही हूँ अभी कर लूँगी। लेकिन 18 को उनका सोमवार से आएगा, तो 18 तक अभी बहुत टाइम है, 15, 16, 17 है, तो 3 दिन में आराम से हो जाएगा टॉपिक टू। और कुछ बुक्स वगैरह उन्होंने बताया है तो मैं मंगवा ली हूँ, ऑलमोस्ट सारा बुक्स आ गया है, इसलिए 18 तारीख से कंटिन्यू आराम से कर पाऊँगी। और उसके अलावा मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत सारा वैसे ही टॉपिक दे देते हैं, तो इसलिए उतना ही मैं कर रही हूँ। आप लोग तो क्या कर रहे हैं 67 BPSC के लिए? लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ, नौवीं दसवीं की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, और भगवान करे कि दुर्गा माँ आपके सारे विशेष पूरी करे। आप लोग अपने प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से जुड़े रहें, और इसके साथ ही सो थैंक यू फ्रेंड्स।